So hey guys, welcome back to our channel. This is day 7 of teaching sit command to PU. आज last दिन है sit command teach करने का. देखते हैं किस तरीके से command को मानती है, कितना अच्छे से मानती है और कितना जल्दी समझ जाती है. Okay? और next video से हम stay command को continue करेंगे. कल से हम stay command start करेंगे और 7 days के लिए continue करेंगे. अगर आपको पिछले part वीडियोस के नहीं मिले हो सेट कमांड के, तो वो शॉर्ट्स में अपलोड है, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं थी तो मैंने उसको शॉर्ट्स में अपलोड किया है. पीयू कम हियर. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. लेट्स सी. सिट. गुड गर्ल. कम हियर. कम हियर. कम हियर. सिट. गुड गर्ल. Come here. Sit. Good girl. Come here. Sit. Good girl. Sit. Good girl. Sit. Good girl. Sit. Good girl. Come here. Sit. Good girl. Come here. Sit. Good girl. So guys, आप देख सकते हो सब लोग कि किस तरीके से इसने कमांड को माना है, कितना जल्दी मान लिया है. मेरे सिट कहते हैं ये बैठ जाती है. तो यही चीज़ है कंटिन्यू किसी कमांड को सिखाने की. अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो आपके जो पेट है उसका रिएक्शन बहुत अच्छा होगा, वो जल्दी से कमांड को समझ जाएगा और मान लेगा. और एक पॉइंट है जो मुझे बताना था कि अगर आप अपने पेट को सिट कमांड या कोई भी कमांड सिखा रहे हो और शुरुआत में आपको बोलना पड़ सकता है ज़्यादा बार, लेकिन जब उसे थोड़ा बहुत समझ आ जाए, वो थोड़ा बहुत मानने लग जाए, तो फिर उस कमांड को एक बार ही बोलिएगा, डबल मत बोलिएगा. क्योंकि डबल बोलोगे तो उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको एक बार बोलने में ही अपने पेट को बात मनवानी है, उसे बताना है, तो आप उसे एक बार ही बोलिए. अगर वो आप जैसे ही सिट बोलते हो, जैसे आप सिट कमांड सिखा रहे हो सिट बोलते हो और वो कोई बात नहीं मानता है, तो आप उसे ट्रीट मत दीजिए. थोड़ी देर रुकिए, वेट कीजिए, उसे वापस अपने पास बुलाइए और वापस बोलिए सिट. अगर वो बैठ जाता है तो ठीक है, उसे ट्रीट दे देनी है, बाकी नहीं देनी है. तो अभी के लिए अपन 5 से 10 बार और ट्राई करते हैं और इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा इजी होगा सिखाना और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आइडिया कि किस तरीके से आप सिखा सकते हो. और ये टिप्स सिट कमांड के रिलेटेड रहेगी, अदर कमांड्स के भी रहेगी, बट ज़्यादातर सिट कमांड के रिलेटेड रहेगी. ओके, अब हम फिर से ट्राई करेंगे सिट कमांड को 5 से 10 बार के लिए. उसके बाद मैं आपको टिप्स बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपने डॉग को टीच कर सकते हो सिट कमांड को इजीली. कम हियर. सिट. गुड गर्ल. 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 कम हियर. Sit. Good girl. Come here. Sit. Good girl. So guys, आप सब देख सकते हो कि इसने कितने अच्छे से इस कमांड को माना है, कितने अच्छे से इसने सीख लिया है कि sit का मतलब क्या है और sit बोलने पर जब मैं sit बोलूँगा तो इसे क्या करना है. पीयू come here. Sit. Good girl. सो गाइज, देखा आपने कि डे 7 में इसका कैसा क्या रिएक्शन था, इसने कितना जल्दी कमांड को माना है, कितना जल्दी एक्सेप्ट किया है और कितने अच्छे से समझा है कमांड को. और जैसा कि मैंने टिप्स के लिए बात किया, तो सिट कमांड के लिए मेरी ये टिप्स है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपने डॉग को सिखा रहे हो, अपने पेट को सिखा रहे हो, तो उसे ओन लीश ही रखो ताकि वो आपके पास ही रहे. और फर्स्ट टाइम आपको सिखाने के लिए बस एक चीज़ करनी है जो मैंने आपको
पहले भी वीडियो में बताई है, जैसे आपको डॉग को पास में बुलाना है, उसके बाद सिट बोल के लीश को ऊपर करना है, सिट, गुड गर्ल। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से लीश को पीछे की तरफ खींचा, तो उसके पीछे की तरफ थोड़ा सा खिंचाव होगा तो वो बैठ जाएगा। ऐसा अगर 5 से 10 बार हो जाता है और वो मान लेता है तो बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी सीख जाएगा सिट। तो इस तरीके से आप अपने डॉग को सिट कमांड सिखा सकते हो। सेकंड टिप ये है कि आपको कम से कम 3-4 दिन तक ऑन लीश ही करना है, उसके बाद आप ऑफ लीश भी कर सकते हो। डॉग काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होगा लेकिन फिर भी थोड़ा इजी होगा। और थर्ड टिप ये है कि आपको कोई भी कमांड एक से ज़्यादा बार नहीं बोलनी है। जैसे आप सिट कमांड सिखा रहे हो तो आप शुरू शुरू में बोल सकते हो जब तक उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन 5 से 10 बार उसके कर देने के बाद आपको बस एक बार बोलना है। अगर वो नहीं मानता तो उसे ट्रीट मत दो, और फिर थोड़ी देर बाद उसे दोबारा और बोलो, अगर वो मान लेता है तो फिर उसे ट्रीट देनी है। फोर्थ टिप की मैं बात करूँ तो वो यह है कि जब भी आपका डॉग आपकी कमांड्स को एक्सेप्ट करता है तो आपको उसे अच्छे से ट्रीट करना है, उसे अप्रिशिएट करना है ताकि वो आपके कमांड को हर बार माने। और अगर आप सिखा रहे हो तो ज़्यादातर नॉर्मल टाइम, लाइक अभी इसका ट्रेनिंग का टाइम है तो मैं इसे ट्रीट दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे बिना ट्रेनिंग के टाइम भी अगर आप उसे सिट बोलते हो तो उस टाइम भी आपको ट्रीट देनी है, नहीं तो ऐसा होगा कि आधे टाइम आप ट्रीट नहीं दे रहे हो और ट्रेनिंग के टाइम दे रहे हो तो उसे समझ नहीं पड़ेगा। तो हर बार आपको उसे ट्रीट देनी है, जब भी आप कोई कमांड उसे बोलो तो वो अच्छे से अच्छे तरीके से आपकी कमांड को मानेगा, सब कुछ मानेगा। और टिप 5 जो कि इस वीडियो की लास्ट टिप है वो है, अगर आप कोई भी कमांड को सिखा रहे हो तो उसे आपको 7 डेज़ के लिए, एटलीस्ट 7 डेज़ के लिए कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपने day 1 से अभी तक का इसका रिएक्शन देखा है कितना अच्छा है। मैं बस सिट बोलने की देर है, मुझे 2 बार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मुझे सिर्फ 1 बार कहना पड़ रहा है कि सिट और ये बैठ जा रही है। इसी तरीके से हर एक कमांड को आपको 7 डेज़ के लिए कंटिन्यू करना है। और इस वीडियो के लिए फ़िलहाल सिर्फ इतना ही, और सिट कमांड के लिए भी फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। बीच बीच में हम सिट कमांड का यूज़ करते रहेंगे जब दूसरी कमांड सिखाएंगे, और जब भी मैं सिट बोलूँगा तब इसको मैं ट्रीट देता रहूँगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे स्टे कमांड, ताकि ये हमारे पास ही बैठी रहे, बार बार दूर ना जाए। स्टे कमांड को किस तरीके से सिखाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, और आपके सामने लाइव परफॉर्म करके बताऊंगा, लाइव उसको सिखा के बताऊंगा। और नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए हम यही फॉलो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन विथ PU। चलो लेट्स गो, सिट, गुड गर्ल।